लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ, जनता ने अपने नेताओं को चुन लिया है, कुछ को पब्लिक ने शीश पर बैठाया तो किसी को सिरे से नकार दिया। जो जीते अब वो संसद जाएंगे और जो हारे वो घर बैठेंगे। लेकिन इन चुनावों में सबसे बुरा हाल जिस परिवार का हुआ है उसने हरियाणा की सियासत में लंबे वक्त से पैठ रखी है। हम बात चौटाला परिवार की कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगने वाले उनके परिवार के सभी प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया है। हिसार के मतदाताओं ने चौधरी देवीलाल की पाठशाला के छात्र रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश को उनका राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। तो वहीं हिसार संसदीय क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक प्रचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला हार गए। रंजीत के साथ ही उनकी बहू जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला और इनेलो उम्मीदवार सुनैना की जमानत भी जब्त हो गई। एक ही सीट पर चौटाला परिवार की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं हुई। वैसे कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला भी विरासत की सियासत में कामयाब नहीं हो सके। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला तीसरे स्थान पर रहे। कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रत्याशी अभय को सिर्फ 78,708 वोट मिले। पिछले चुनाव में उनके बेटे कर्ण को भी इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब अभय के सामने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बचाने की चुनौती आ गई है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला दूसरी बार हिसार सीट से हारे हैं। इससे पहले वो साल 1998 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल सिरसा लोकसभा सीट रिजर्व होने के चलते रणजीत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ने उतरे थे। हालांकि उन्हें ज्यादा वोट दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा करने हिसार आए थे। फिर भी ज्यादातर ग्रामीण मतदाताओं ने उन्हें इस बार भी पसंद नहीं किया, जबकि हिसार से इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला और जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं। हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार एक नया रिकॉर्ड बनाने में जरूर कामयाब हुआ। हिसार लोकसभा सीट से बेटा, माँ, पिता, दादा, चाची के हारने का रिकॉर्ड बन गया। हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला खुद हार चुके हैं, उनकी माँ नैना चौटाला भी इस बार हारी हैं। दुष्यंत के पिता अजय सिंह चौटाला और दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहले हार चुके हैं। इस बार उनकी चाची सुनैना चौटाला भी हारी हैं। उनके दादा के छोटे भाई यानी रणजीत सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए हैं। वैसे हार और जीत के इस खेल में जेठानी से देवरानी आगे निकल गईं। वोट हासिल करने में देवरानी सुनैना अपनी जेठानी नैना से आगे रहीं। सुनैना को 22,303 वोट मिले, वहीं बाढ़ड़ा विधायक नैना को 22,032 वोट ही मिले। दोनों के मायके के हिसार में होने के बावजूद वो जमानत नहीं बचा पाईं। दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थीं और पहली बार में ही दोनों की जमानत जब्त हो गई। बता दें कि चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार लोकसभा सीट पर 6 सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें 5 सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर दुष्यंत चौटाला का भी रोचक रिकॉर्ड है। दुष्यंत चौटाला हिसार से ही सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।